दोस्तों, आज बहुत वक्फे के बाद जितेंद्र त्रिपाठी की ओर से आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून और स्वागत। कुछ दिनों तक हम आपके साथ आपके सामने नहीं आ पाए, इसका अफसोस है। इसलिए कि कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी कोरोना वजह से कि कुछ ये प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टालना पड़ गया। बहरहाल हम फिर से हाजिर। कविता, शायरी और गजल, इन सबके द्वारा कैसे भावाभिव्यक्ति हो की जाती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। इस बार किसी दूसरे प्रारूप, किसी दूसरे फॉर्मेट। पहले तो हम हिंदी कविता की बात करते हैं। ये देखो, हिंदी कविता क्या है, कैसे जन्मी, क्या हुआ और कौन कौन सी स्थितियां, कौन कौन सी सीढ़ियां ये चढ़ी, किस किस समय में और वहां पे क्या बदलाव आए। आपको मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे तो कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों की वजह से मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताऊंगा और हो सकता है इससे आप मुझसे कनेक्ट कर पाने में आपको सुविधा हो। तो देखिए, ये कहते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी खड़ी भाषा जो उसका आज का वर्तमान रूप है, प्रेजेंट फॉर्म, इट वॉज डेवलप्ड ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स, 200 300 ईयर्स ago, it started developing very well, but उसके पहले करीब 1000 साल पहले अमीर खुसरो के टाइम से हिंदी भाषा जो है हिंदवी के नाम से शुरू हुई। लेकिन हिंदी की जो माँ है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सारी ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो माँ है वो संस्कृत। और इस माँ से कविता का कैसे शुरुआत हुई, शुभारंभ हुई, ये हम आपको इसमें बताएंगे। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कहे जाते हैं कि वो आदि कवि, सबसे पहले कवि कहे जाते हैं, ऐसा मानना है। और ये कहा जाता है कि वाल्मीकि स्वयं ही एक लुटेरे थे, एक बड़े ही, जिसको आप कह सकते हैं, अति दलित वर्ग के थे आज के शब्दों में, लुटेरे थे। और उनका काम लोगों को लूटना था। एक बार वो किसी राही को पकड़ करके उन्होंने एक ग्रुप को पीटना शुरू किया, उसे खंभे से बांध दिया और कहा कि हमें सारा सामान, अपना मालमत्ता दे दो। तो उसने ये कहा कि हम आपको मालमत्ता दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन ये बताइए आप ये किस लिए कर रहे। तो वाल्मीकि ने कहा, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना है, वी हैव टू आई हैव टू ब्रिंग अप माय फैमिली, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त उस आदमी ने जो बांधा गया था, उसने कहा, जरा आप पता कर लीजिए कि जो आप कर रहे हैं ये गलत तो है ही, क्योंकि डकैती है, छीना झपटी है, इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो पनिशमेंट होगा, जिनके लिए आप कर रहे हैं, क्या आपके फैमिली मेंबर्स भी उसको शेयर करेंगे पनिशमेंट। वाल्मीकि बोले, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आदमी की वो करने के लिए, एक बार अपनी शंका दूर करने के लिए जाके घर वालों से पूछा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, चोरी करके, डकैती करके, छीना झपटी करके, इससे जो पैसे मैं ला रहा हूँ, इससे आप लोगों का भरण पोषण हो रहा है, आप लोगों का पालन हो रहा है, तो क्या आप इस पाप का जो परिणाम होगा, दंड होगा, वो आप लेने को तैयार है। घर वालों ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारा भरण पोषण करो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप तुम्हारा है, उसका परिणाम, उसका जुर्माना, उसका दंड तुम्हें देना। इतना सुनते ही वाल्मीकि की बुद्धि पलट गई, उन्होंने ये सारे काम बंद कर दिए और भगवान का भजन कर। उस वक्त कहते हैं कि एक बार वो जब ऋषि बन गए वाल्मीकि, तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा तालाब के किनारे क्रौच पक्षियों का एक जोड़ा जो है वो आपस में जो है वो इंटरकोर्स कर रहा। तो जब वो काम पीड़ा में रत था, तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने तीर चला के मार दिया उसमें से। तो ये देख करके उनका मन बहुत ही पिघल गया। एक चीज देखिए, मैं बता दूंगी, कोई भी कवि होता है उसका मन बड़ा हल्का होता है, हल्का इस तरह से बहुत जल्दी वो पिघल जाता। भावना जब तक नहीं होती तब तक कविता नहीं बनती। उनका मन पिघल गया तो उन्होंने एक श्लोक कहा जो कि संस्कृत का, या कहते हैं कि विश्व की पहली कविता है,
मां निषाद प्रतिष्ठां तं गमम शाश्वती समा यत्तोचम मिथुनादेकम बधि कल्प मोहितम बधि काम मोहितम। कि हे निषाद, हे बहेलिया, जिस तरह से तुमने काम क्रीड़ारत इस युग्म को, इस युगल को, इस कपिल को मारा है, उसके परिणाम स्वरूप में कभी भी कोई प्रतिष्ठा जिंदगी में मिलेगी नहीं, कोई भी कर्म का फल तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज था शुरुआत में ही, कि किसी को भी किसी भी वक्त अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये बहुत, इसका फल बड़ा बुरा बनता है। पर ये पहली कविता मानी गई। उसके बाद वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और रामायण खैर की मदंती है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, कि राम ने जब सीता को त्याग कर दिया था अयोध्या आने के बाद, तो सीता को जंगल में लक्ष्मण छोड़ आए थे, तो वाल्मीकि के पास सीता रही और वाल्मीकि ने उनके पुत्रों लव कुश वहां पैदा हुए, उनका लालन पालन किया और वाल्मीकि ने ही राम कथा लिखी। अब राम कथा में वहां पर रामायण में उत्तर कांड भी है, जो कि कहा जाता है कि कई लोगों ने कहा है कि वाल्मीकि ने नहीं लिखी, प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है, बाद में किसी कवि ने लिखी। बहरहाल वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उस वक्त उन्होंने रामायण में राम को उस तरह नहीं दिखाया जैसा कि तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श मोस्ट आइडियल किंग ऑफ द वर्ल्ड दिखाया, वो चीज वाल्मीकि ने दिखाई। वाल्मीकि के दृष्टि में राम अच्छे राजा थे और उनके समय में ये घटनाएं हुई, इसलिए ऐसा। अब देखिए इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, आपको पता होगा एक शायद हुए बहुत अच्छे प्रख्यात शायर फिराक गोरखपुरी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के लेक्चरर थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का की विडंबना ये रही है कि वहां के इंग्लिश डिपार्टमेंट में सर्व करने वाले जितने लेक्चरर हैं ज्यादातर हिंदी के साहित्यकार, हिंदी या उर्दू, चाहे जगदीश चंद्र दीक्षित हो, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, तो चाहे विजय देव नारायण शाही हो। तो क्या हुआ कि फिराक साहब अपने मूड की वजह से बड़े मशहूर थे। एक बार किसी ने क्या, उमाकांत मालवीय बड़े समीक्षक रहे, उन्होंने पूछा फिराक से कि आप बताइए आपकी निगाह में दुनिया का सबसे बड़ा कवि कौन है, तीन सबसे बड़े कवि। तो उन्होंने कहा पहला अनडाउटेडली तुलसीदास, दूसरा क्योंकि वाल्मीकि को उन्होंने पढ़ा नहीं था, अनडाउटेडली तुलसीदास, दूसरे तीसरे में मैं डाउटफुल हूँ कि मैं शेक्सपियर को रखूं या कालिदास। उनसे पूछा गया कि तुलसीदास क्यों, तो उनका बड़ा विचित्र उत्तर था जो काफी हद तक सही भी है, हालांकि विचित्र है, वो ये है। तो उन्होंने कहा देखिए आज के जमाने में इतनी विषमताएं हैं, लोग एक दूसरे का गला काटते हैं, एक दूसरे का धन चुराते हैं, कोई किसी की बीवी के साथ भाग भी जाता है, कोई किसी की बीवी को अगवा करके ले जाता है, हजारों घटनाएं हिंदुस्तान में होती है जहाँ कोई किसी की बीवी को अगवा करके किडनैप करके ले जाता है, लेकिन रामायण कितनी लिखी जाती है, रामचरित मानस कितनी लिखी जाती है, सिर्फ एक किसी घटना को आधार मान के कि किसी ने, किसी राजा ने किसी दूसरे राजा की वाइफ को किडनैप कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके चारों ओर ऐसा ताना बाना बना गया कि उससे एक इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने ये बताया कि किसके किसके साथ संबंध कैसे होने चाहिए, नौकर के मालिक के साथ, माँ के बेटे के साथ, बाप के बेटे के साथ, भाई के भाई के साथ, राजा की प्रजा के साथ, सारे संबंधों का निर्माण किया। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि तुलसीदास अच्छे हुए, हालांकि विचित्र है लेकिन ये बात सही। बहरहाल कमिंग बैक टू वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के रामायण में ये चीजें जो दिखाई गई हैं जितनी, वो तुलसीदास की नहीं है। बहरहाल वाल्मीकि की रामायण से आगे चलते हैं तो संस्कृत में और भी भावभूति हैं, बाण भट्ट हैं, और भी कई लोग हैं छोटे बड़े जो कि जो लिखते रहे, लेकिन संस्कृत हिंदी की लेखन की जहां तक बात आई, हिंदी या उसकी आंचलिक भाषाओं की, उसकी डायलेक्ट, जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, रुहेलखंडी वगैरह, मालवी वगैरह, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले
आए चंद्रभर दास पृथ्वीराज चौहान पे राजकवि, शायद पृथ्वीराज चौहान पिक्चर भी परसों रिलीज होने वाली है, तो शायद उसमें आपको ये प्रकरण दिखेगा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के वो राजकवि थे, दोस्त थे, और पृथ्वीराज चौहान जब ये भी किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया मोहम्मद गोरी द्वारा, ले जाया गया और वहां पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई। वो शब्द वेदी बाण चलाना चाहते थे, साउंड के हिसाब से उनके तीर चलते थे। तो जब गोरी बैठा सिंहासन पे और पृथ्वीराज से कहा कि मुझे तीर चला के दिखाओ, तो चंद्रवर दाई ने कहा चार बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मध्य के चौहान। चार बांस, बांस एक स्टैंडर्ड नापने की इकाई होती, चार बांस 24 गज और 8 अंगुल, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है चौहान को मत छूना। और कहा जाता है कि चौहान ने तीर चलाया और गोरी को मारा। हालांकि ये चीज थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है, पर बोल लगती है, क्योंकि वहां पर चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज अगर बंदी बना करके आए लाए गए होंगे राज दरबार में, तो वहां पर कैसे इन्होंने नापा होगा कि 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल है। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो पहला कवि था जिसने प्राकृत में लिखी थी। अब उसके बाद आप सब जानते हैं कबीर का नाम, कबीर फक्कड़ आदमी, उन्होंने जो भी लिखा, जैसे भी लिखा, कविता किया, उन्होंने जो वाणी दिया शब्द के नाम से मशहूर है, उन्होंने हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद कहा, और वो पहले क्रांतिकारी थे, मार्क्स से भी बहुत 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 400 साल पहले का क्रांतिकारी कबीर, क्योंकि कबीर ने देखे, कबीर ने कहा कि लोगों ने कहा कि कबीर काशीवत है, लोगों ने कहा काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, कबीर ने कहा हम इसको नहीं मानते। बस्ती जिले के पास, यूपी में बस्ती जिले के पास एक गांव है मगहर, कहते वहां मरने से आदमी को नर्क की प्राप्ति होती, मगहर वाले काशी और पे आ जाते हैं। कबीर ने जानबूझ के कहा, जिद्दन कहा, मैं मगहर जाती हूँ, देखता हूँ मुझे मोक्ष मिलता है। जो कबीर की मगहर में कबीर ने तो सीधे साधे कर दिया कि, और ऐसी भाषा में कहा, बहुत संस्कृत से, बहुत उपमाओं से, बहुत अलंकार उनसे, बहुत फिगर ऑफ स्पीच से, लेडन नहीं थी, बोझिल नहीं थी, सीधी सादी भाषा में उसने लोगों की भाषा में कबीर ने बात की। जैसे उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दही बनाए, उस पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है कि क्या खुदा बहरा हो गया जो कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना के आप चिल्ला के नमाज पढ़ रहे हैं क्या। ये भी कहा कि क्या देखिए, घर की चक्की कोई ना पूजे जाकर पीसा खा है, कि पत्थर को तो पाथर पूजे, ये कि पाथर पूजे मैं हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तब तो मैं पहाड़ की पूजा करूँ, उससे और मुझे और भी ज्यादा कुछ संबंध की प्राप्ति होगी। या कि घर में जो चक्की से आटा पीसते हैं उस पत्थर की कोई पूजा नहीं करता, दूर बाहर से ले आके पत्थर को उसको भगवान मान के पूजा करता। तो कबीर ने किसी को भी नहीं बख्शा, किसी भी धर्म को लोगों को नहीं बख्शा। उसमें एकदम बेलाग होकर के बहुत निर्ममता से कबीर ने लोगों का, समझ लीजिए, ऑपरेशन किया है, इंसिजन किया है, जहां जहां गड़बड़ी थी कबीर ने उसको खत्म करने की कोशिश। कबीर के बाद अब दूसरे सबसे बड़े आते हैं, एक ही साथ भक्ति काल आया कबीर के साथ ही, जिसमें 300-400 साल का समय ऐसा था जिसमें लोगों को भक्ति की बात, भगवान के प्रति भक्ति की बात, ऋषि हुए, सूर हुए। सूर कहते हैं कि अंधे थे, लेकिन सूर ने कृष्ण भगवान की लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि लोग कहते हैं कि अंधा आदमी जो जन्म से ही अंधा था उसको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कैसे खेलता है, कैसे बोलता है, कैसे कार्यां करता है, कैसे अपनी बाल सुलभ लीलाएं करता है। सूरदास ने किया तो या तो विलक्षण थे और या तो वो जन्मांध नहीं थे। कुछ लोग कहते भी हैं कि जन्मांध थे, एक बार कुएं में गिर गए तो बुलाने लगे कि भगवान हमारी रक्षा करो गोपाल, भगवान आए एक बालक का रूप
लेकर के उनको या उनकी आंखें फिसला दी। उनका नहीं, अब मैंने आपको देख लिया, इसके बाद में और दुनिया में कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपके देखने के बाद अब कोई भी नहीं है। यही तुलसीदास ने कहा, जे जाने जग जाए हिराई जागे जथा सुपन जम जाए, कि जिसको जानने से सारी दुनिया खो जाती है। जैसे कि स्वप्न से जगने पे आपका स्वप्न खत्म हो जाता है, ऐसे ही भगवान को जानने से सब कुछ और खत्म हो जाता है, और कुछ जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स आफ्टर योर थॉट। तो सूरदास ये कहते थे, इसके साथ ही तुलसीदास। अब देखिए उस समय में भक्ति काल में भी जो जो कवि होते थे वो इस तरह के होते थे कि वो कभी भी किसी राजा का आश्रय जनरली मांगते नहीं थे। सूरदास के भी जो गुरु थे उनको अकबर ने बुला लिया, फतेहपुर सीकरी गए, वहां वहां एक आध भजन सुनाए, लौट आए और आके उन्होंने लिखा, कहा मोको सीकरी सो कहा, मुझे सीकरी से क्या, आवत जात कन्हैया टूटी बिछड़ गए हो है ना, आते जाते तो मेरे जूते भी टूट गए और भगवान का नाम तो भूल ही गया, तो मैं अब क्यों जाऊं, मुझे कोई काम नहीं है सीकरी से, मुझे वहां अब नहीं जाना है। यही चीज तुलसी के साथ ऐसे हुई कि रहीम और तुलसी दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, और अकबर चाहता था कि तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। भी इस बारे में बड़ी कहानियां भी पिछले साल के अकबर ने बुलाया तुलसी को, और तुलसी को जेल में डाल दिया, और तुलसीदास जी ने हनुमान जी की 40 साल लिखा था, फिर हनुमान जी ने छुड़ाया, वो किंवदंतियां हैं। सत्य यह है कि तुलसीदास को अकबर बुलाना चाहते थे, अकबर नहीं आए। रहीम से बहुत कहा कि तुम्हारे मित्र हैं बुलाओ, रहीम ने उनको लिख के भेजा कि आप आ जाइए, तो तुलसीदास जी ने दोहा लिख के भेजा, हाँ चाकर रघुनाथ को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन समझा, मैं तो भगवान का नौकर हूँ, मैंने तो वहां से पट्टा लिखाया है नौकरी का, अब मैं एक आदमी का दरबारी बनू, ये नहीं हो सकता, नहीं गए। तो लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस जो कवितावली लिखी, लोगों की आम भाषा में अवधी और बुंदेलखंडी का मिक्स, वो उस भाषा में लिखी, और वो सबसे ज्यादा प्रचलित। वैसे तुलसी भी बड़े फक्कड़ थे, क्योंकि तो तुलसी ने एक एक जगह कहा है कवितावली में कि भूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे जुलाहा कहे को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगारो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम, जाको रुचे सो कहे मांगी के सोबो मसीत को, मांगी खेबो मसीत को सोइबो लेबो को एक में भेजो को। मतलब मुझे कोई धूर्त कहे, कोई अवधूत साधु कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जुल्हा कहे, आहू की बेटी से बेटा ने ब्याह, आहू की जाति मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के बेटी से अपने बेटे का ब्याह करने वाला नहीं, मेरे कोई बेटा नहीं, तो कोई ये शंका नहीं कि किसी भी जाति में बिगाड़ दूंगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे, तुलसी तो राम के गुलाम के नाम से मशहूर है कि राम का गुलाम जिसको जो मर्जी हो कहता नहीं, लेकिन मांग के खैबो मसीत को, मांग के खाना और मस्जिद में सोना, मस्जिद और मतलब मंदिर कोई उनके लिए वो नहीं था, तो मांगे तो खाई वो मस्जिद को, मांग के खाना और पूजा गृह में सोना, दैवों को एक न दैवों को दो, लेना एक न देना दो। यहीं से हिंदी के इस मुहावरे की शुरुआत हुई, लेना एक न देना दो, आज ही हिंदी में मुहावरा चल। बहरहाल तुलसीदास ने हर तरह से कविता की हर विधा में परफेक्शन हासिल किया। कविता के भाव पक्ष में देखिए, शैली में देखिए, तुलसी का श्रृंगार देखिए, और देखिए एक मैं दिखाता हूँ आपको कि तुलसीदास ने शुरू में ही कहा है, सभी को प्रणाम किया, व्यंग देखिए, सभी को प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, देवी देवताओं को, माता पिता को, सभी को प्रणाम किया। अंत में कहते हैं, इन्हीं प्रणाम करो सति भाए, जे बिनु काज बिधाए,
मतलब बुरे व्यक्तियों को भी प्रणाम करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं आखिर में, कि उन्हें मैं बड़े सत्य भाव से, तार्किक भाव से प्रणाम करता हूँ, जो बिना कारण के ही पाए हो जाते हैं, बिना कारण के ही बदमाशी करने लगते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप मुझे भी क्षमा। तो देखिए, ये शिष्टता, शिष्टता की ऊंचाई ये कविता वाली वो कहते हैं, देखिए ये शालीनता है, उस समय की शालीनता, आज की नहीं, कि प्री वेडिंग फोटोशूट होता है वो नहीं है शालीनता। उस वक्त की शालीनता क्या थी कि राम जब अयोध्या से जनकपुर जाते हैं विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में, और वहां पर राम का विवाह होता है, तो उसमें एक लाइन तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राम को रूप निहार की ज्ञान की कंकण के नदी की परछाई, सीता को भी देखना है कि उनका वर कैसा है, लेकिन शिष्टता ये तो सीधे ऐसे वो करके नहीं देख सकती, क्या करती, देखिए राम को रूप निहार की ज्ञान की कंगन के एक नग की परछाई, कंगन का जब नग है, उनके ब्रेसलेट का जो नग है, जो उसमें माणिक्य है, उसमें राम की परछाई पड़ रही है, उसको देख सर झुका के। देखिए ये लज्जा की पराकाष्ठा थी। और एक एक उसमें देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं कहूंगा हो सकता समय शायद समाप्त हो रहा हो, मैं बाकी की बाद में करेंगे, लेकिन एक और कहना चाहता हूँ कि जब राम को दशरथ वन जाने की आज्ञा कैकेयी के द्वारा दे देते हैं, कैकेयी के वर मांगने पर, तो राम जाके कहते हैं कौशल्या से पूछते, कहते हैं तात दीन मोहि कानन राजू तह सब भांति मोर भर, कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया, जहां मेरा सभी प्रकार से, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया जहां सभी प्रकार से मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरे लिए बहुत काम है। ये नहीं कहते कि हमें जंगल फेंक दिया है, हमें जंगल का राज दे जहाँ सभी प्रकार का। इसमें देखिए कौशल्या क्या कहती है, कौशल्या कहती है कि जो केवल पितु बाहर साता तो जन जाहु बाड़ी तन तो जन जाहु जानी बड़ी माता, कि अगर सिर्फ तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी है जंगल जाने की तो मत जाओ, क्योंकि माता बड़ी होती है, माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से ऊपर मत। लेकिन अगले में ही देखिए वो स्पष्ट करती है, पहली चौपाई में, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना, अगर माता पिता दोनों ने ही कहा है कि जंगल जाओ तो जंगल तुम्हारे लिए सैकड़ों अवध के समान होगा, सैकड़ों अयोध्याओं के समान सुखकारी होगा। अब देखिए यहाँ पे उनका, अगर माता पिता दोनों ने कहा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कैकेयी भी माँ है और कैकेयी को भी उतना ही दर्जा दिया है तुलसीदास, कि कौशल्या से कहलाया कि अगर माता पिता दोनों ने कहा, अगर दशरथ और कैकेयी दोनों ने कहा है कि जंगल जाओ तो जंगल तुम्हारे लिए सैकड़ों वध। ये देखिए ये चीज होती है कि हाँ सौतेले सगे का कोई नहीं, सगी माँ कह रही है कि अगर सौतेली माँ ने भी कहा है तो जाओ। तो ये एक के दूसरे के साथ रिश्ते कैसे बनते हैं, इसको किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये तुलसीदास ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है। और उनके बस एक चीज और करके मैं थोड़ा सा वो करूंगा, देखिए ऐसा है कि जब जंगल जा रहे थे सीता जी, सीता राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो कविता में बड़ा अच्छा वर्णन है कि औरतें कहती हैं, जो जंगली औरतें कहती हैं, तो उसमें कहते हैं तुलसी के, पूछत ग्राम बधू सी से कहो सांवरे से हो सखी धावरे को, कि ग्राम बधुएं सीता से पूछ रही हैं कि हे सखी बताओ वो जो सांवले से है वो आपके क्या, क्योंकि तो ये तो बता दिया है, पूछ रहे थे कि वो जो गोरे से वो मेरे देवर सांवले से है वो आपके क्या है, ये पूछा तो उसको सीता ऐसे नहीं बता, तो सीता कैसे जब आप अभी भी जो लोग गांव के पर
परिवेश से आए होंगे, देखते होंगे कि गांव में अभी भी लज्जा की चीज बाकी है कि वो क्या कहते हैं कि तिरछे कर नयन दसायन तिन्हें समझाए कछु मुसिपाया। सीता इस प्रश्न पर कि सखे सावरे से दावरे को है पत्नी की आंखें तिरछे करके तिरछी आंखों से थोड़ा सा इशारा करके थोड़ा सा मुस्कुरा के कुछ समझा के इशारों में बता दिया उन्होंने कि हमारे को ये नहीं बताया कि हमारे पति हैं या हमारे अभी है ये चीज। तो ये चीज और वहां पर एक व्यंग भी है। व्यंग ये है कि कहते हैं कि पिंड के वासी उदासी महाव्रतधारी तपी बिनु नारि दुखारे गौतम तीय तरी सुनके सब भेद निजंग सुखारे हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंगल कंज तुम्हारे इनी भली रघुनायक कंगा कर। जंगल के वासी बहुत उदासी साधु होते हैं, तपी होते हैं, नारियां नहीं होती उनके साथ, बड़े दुखी रहते हैं। जब उन्हें पता लगा कि अहिल्या की पत्थर जो है पत्थर पे राम का पैर पड़ा शिला पे और वो स्त्री बन गई तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वो भगवान आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आए, क्योंकि यहाँ तो तमाम शिलाएं तमाम पत्थर आपके जिस जिस पे पड़ेंगे सब औरतें बनती जाएंगी, हमारे लिए सुविधा होगी क्योंकि हम लोग बिना औरतों के बिना गृहणियों के बड़े दुखी हैं। देखिए ये व्यंग। तो दोस्तों समय हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अगले उसमें हम तुलसीदास से आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास से आगे बिहारी, रहीम, ईशव, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कविता का क्या कितना महत्व है। जैसे कि जयशंकर ने कहा था कि योगी होगा पहला कवि, योगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी निर्वाण। कविता कब योगी होता है? कवि में जब तक भाव नहीं होगा, जब तक फीलिंग्स नहीं होगी तब तक कवि कुछ सोच नहीं होगा। तो दोस्तों आज का ये सत्र यहीं पे खत्म होता है। आपसे आज्ञा चाहते हैं और अगले बुधवार को फिर से आपसे